कोरोना संकट के दौर में अच्छी खबरों का काल है, लेकिन आज एक हमारे हाथ लग गई। अमेरिका की लगभग 100 कंपनियां चीन को छोड़कर अब भारत में निवेश करने का मन बना रही है। और सटीक बताऊं तो यूपी में अपना प्लांट लगा सकती हैं। कोरोना संकट को अवसर की तरह इस्तेमाल करने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं। आप यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री का इशारा उत्तर प्रदेश ने ढंग से समझ लिया। उत्तर प्रदेश के लघु मध्यम उद्योग और इन्वेस्टमेंट मामलों के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने अमेरिका की लगभग 100 कंपनियों के साथ बात की और फिर बताया कि ये कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत में आएंगी। ये कंपनियां क्या बनाती हैं? कई चीज़ें। कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, लॉजिस्टिक्स की हैं। कई बड़े नाम हैं, मसलन अडोबी आईटी सेक्टर की, लॉकहीड मार्टिन रक्षा और उड्डयन से जुड़ी, फेडएक्स और यूपीएस लॉजिस्टिक्स से जुड़ी, और सिस्को आईटी और नेटवर्किंग से जुड़ी। ये कंपनियां चीन छोड़कर भारत क्यों आ रही हैं? कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? सीधा सा जवाब है, कोरोना संकट की वजह से। इस संकट ने कारोबार की नई परिभाषाएं गढ़ दी हैं। अब कंपनियां एक ही जगह पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहती। जैसे शुरुआत में चीन में कोरोना फैला और लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, इसलिए अब कंपनियां चीन के बाहर भी अवसर तलाश रही हैं। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, तो कई कंपनियां चीन से अपना बेस भारत शिफ्ट करना चाहती हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी सरकार अमरीकी कंपनियों को कई तरह की छूट दे रही है। लैंड सब्सिडी यानी कि सस्ती ज़मीन वाली छूट, कैपिटल सब्सिडी और भी कई तरह की छूट, ताकि कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आएं और उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे। पर ऐसा नहीं है कि यूपी को सहूलियत देने भर से कंपनियां आ जाएंगी, इसमें अमरीकी सरकार की भी सहमति है। अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्रालय ने इस बात की सहमति दे दी है। पिछले हफ्ते अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अमरीकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें भारत में प्लांट लगाने की अहमियत पर चर्चा हुई थी। यानी सब कुछ सही रहा तो यूपी में लाखों करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकार के खजाने में पैसा आएगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लॉकडाउन के संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए सब विटामिन की तरह होगा और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स भी चमकेगी।